राम राम सारा ने क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। तुम्हारे सोनीपत में गांवों में कैसा है, लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मुड़ बना की तरफ। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं डेली? मैं 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। माँ देश को चलाने के लिए आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो हैं, और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप वाली चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया था। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया। देख लिया G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, वो व्यवस्था देख कर वो सब इंडिया में होते हुए देखते हैं, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज़ के लिए। भाई आपने देखा होगा ये जो भारत मंडपम बना है, उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फ़ायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था। हाँ, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट्स थे, और मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फ़ोन करा करते प्लेयर। हाँ, हाँ। और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका ये जो 75 डेज चैलेंज है, उसमें क्या करते हैं आप? उसमें 5 रूल फॉलो करने आ रहे हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए, बस 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पर डलना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इस पुराण पर डलना। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। नहीं, अच्छा है, इसका लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए।